पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का ऐसा अभियान है जहां सरकार के बीच चल रही योजनाएं जिनमें गरीबों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है, जनजाति और गैर आदिवासी इलाकों में रथ और गाड़ियां जाएगी और जनता को योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री जी का सोच का, प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का जन जन तक पहुंचाने का ऐसा अभियान है जहां पे लोग बीच जाके सरकार की चल रही योजनाएं और खास तौर से ऐसी योजनाएं जिसमें गरीबों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है, ऐसे व्यक्तिमूलक काम चाहे आवास का हो, बिजली का हो, पानी का हो, उनके खाते खोलने का हो, बहुत सारी योजनाएं हैं जो पूरे हिन्दुस्तान में चल रही है, ट्रैवल एरिया और नॉन ट्रैवल एरिया में रथ जाएगा, गाड़ियां जाएगी, वेजिटेशन होगा, किसानों के लिए ड्रोन के माध्यम से बताया जाएगा, एक हेल्थ का कैंप होगा, हेल्थ कैंप में जांच होगा और जितने भी लोग आएंगे सरकार के किए गए कामों को उनको प्रेजेंटेशन के माध्यम से बैंक के चलेगा, उस पर दिखाया जाएगा। ये पूरा राष्ट्रव्यापी अभियान है प्रधानमंत्री जी की योजनाओं की भूमिका, विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका होती है, स्पीकर की जो भूमिका होती है उस भूमिका में मैं काम करूंगा और छत्तीसगढ़ के विधानसभा के काम को और इसके सम्मान को आगे बढ़ाने का काम है। विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका होती है, स्पीकर की जो भूमिका होती है उस भूमिका में मैं काम करूंगा और छत्तीसगढ़ के विधानसभा के काम को और इसके सम्मान को आगे बढ़ाने का काम है। मीसा बंदियों को पेंशन की योजना कांग्रेस ने गलत तरीके से बंद किया है और ये सरकार आ गई है और ये सरकार इस पर विचार भी करेगी, उसके निराकरण भी करेगी, उसमें कोई चिंता